अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज हम हाजिर हुए हैं फिर, और ये जनाब है किचन में। तो इनका दिल चाह रहा है फरमाइश लेकर आए ना, ये फरमाइश लेकर आए गाजर के हलवे की, कि इन्होंने खाना है गाजर का हलवा। और गाजरे आप लिया है? गाजरे लिया है, लिया है। आने वाली क्या बात है भाई, ये नहीं गाजरे गाजर। चले जी, ये गाजर के क्या बोल रही हूँ मैं, प्यारी समझ गई। आयशे गाजर के हलवे खाने की, तो जी ये आप करेंगे हमें पता है। तो लेकिन भाई नहीं, ये गलत बात है। नहीं, एक काम करना पड़ेगा, या आप गाजर काम करूंगा, मैं करूंगा एक काम। नहीं, खाने के अलावा खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं वरना मैंने बना दिया, गाजर भी ला दिया। नहीं वरना मैंने बना, मैंने नून लीग की तरफ से गैस भी पैदा करवा दिया, ठीक है, जो उन्होंने नहीं करने दी, अब कर दिया पैदा। भाई जाना, आपके लिए सब सहूलतें मौजूद हैं, तो आप इसमें बनाएं और करें। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा नहीं, एक आपने करना पड़ेगा, या आप गाजरे छीलोगे, या आपने गाजरे कद्दूकश करनी है। गाजरे छीलूं या कद्दूकश करूं, ये दोनों काम तुम करो। नहीं, एक मैं चूल्हा जलाऊंगा, बर्तन रखूंगा, उसमें सामान डालूंगा, उसके बाद तुम करना। डन। वाह 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 वाह, सारी मेहनत मैं करूं, खाए आप। भाई बहुत तेज हो रहा है, तुमने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि हलवा यही बनाएगी, लेकिन काम ये करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, मेरी बात मानते हैं, आपको देखेगा आप वीडियो में, ये करके दिखाएंगे। बटर कम लगाओ, बटर कल ही ला के दिया तुम्हें, आज ही लगा रही हो तुम। चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन झटपट सी रेसिपी जब ही होगी जब ये मेरे साथ हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत करके जो खाता है ना, मेहनत करेंगे उसको ज्यादा टेस्ट आता है। हम मेहनत करेंगे, बनाएंगे और खाएंगे, ओके। तो बनाने में मेहनत करनी पड़ती है ना। तो चले जी, आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं कि ये काम करेंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं, अब आपको खाने में मजा आएगा। बात ना करो मुझसे। ये मेहनत करके बन रहा है गाजर का हलवा, आज इनको खाने में मजा आएगा, क्योंकि ये खुद मेहनत करके बना रहे हैं। अनमता, आपने खाना है हलवा? खाना है ना आपने? तो चलें जी, मजाक तो बहुत हो गया है, अब आ जाते हैं काम पर। बाकी अनमता उठ चुकी थी, तो हस्बैंड ने थोड़ी सी करने के बाद अनमता को संभाला। मैंने कहा वो अनमता को संभाले, बाकी गाजरों को मैं छील लेती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने गाजरों को छीला, क्योंकि सबसे मुश्किल काम छीलना और कद्दूकश करना होता है। तो खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें छील चुकी हैं। तो जी ये 2 किलो गाजरे हैं, और कद्दूकश पे है, तो कद्दूकश आधी हस्बैंड ने की थी, आधी मैंने की थी, मतलब हम दोनों ने मिलके ही की थी। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया, क्योंकि यही मुश्किल काम होता है, बनाना तो ईजी होता है। मेरा गुट्टा बहुत तंग कर रहा है, तो ये मेरा गुड्डा है, गुड्डा ताता कर दो। बाय 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 करना, हाय। तो चले अब हलवा बनाए, हवा बनाए, चलो हलवा बनाते, चलो ताता। आपको पसंद है ना जी? चलो जी बनाते, बेहूरिया से रिव्यू लेंगे, ठीक है। ये फाइनली सबसे बड़ी जो मेहनत होती है वो काम हो गया, अब तो हलवा बनाना बहुत इजी है। मैंने किया, बस कर दें, दोनों ने मिलके किया, चलो इत्तेफाक में बरकत होती है। तो चलें जी, अब रेसिपी को इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी जो मेहनत का काम होता है वो तो हमारा फाइनली डन हो चुका है। तो चलें जी रेसिपी को देखते हैं। तो जी ये हैं 2 किलो गाजरें, और इतनी सारी लग रही है, लेकिन बनने का बिल्कुल थोड़ा सा हलवा बन जाता है। तो खैर चलिए जी, चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमने ली है कढ़ाई, और उसमें ग्रेट हुई हुई गाजर हम इसमें डाल देंगे, और फ्लेम को रखना है हमने हाई, और इसके साथ 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 हमने चम्मच चलाना है। तो जी फ्लेम को रखेंगे हम हाई, और गाजरों के सॉफ्ट होने तक हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। तो जी गाजरें अपना पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए हमने जब तक इसको पकाना है, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ये मजीद सॉफ्ट ना हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं गाजरें हमारी सॉफ्ट हो रही हैं, और इसलिए मैं इसको नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे मिक्स कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि फ्लेम हमारा हाई है, ये ना हो गाजरें हमारी लग जाए।
अगर पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो जब ही हमारा टेस्ट निकल के आएगा, वरना थोड़ा सा हलवे में पानी पानी सा जब टेस्ट आता है तो हलवा ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता है। तो खैर जी, हमने इसको मज़ीद चलाना है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेज पे आकर हमने इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है, क्योंकि गाजरें हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी और पानी भी इसका ड्राई हो चुका था। अंता क्या कर रही हो? बताओ क्या कर रही है? तो ये बन रहा है गाजर का हलवा और ये हमारे सरों पे बैठी हुई है। अनमता क्या कर रही हो? ओ बस जी, हमने इसको कवर कर दिया था और अब आप देख सकते हैं दूध थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमने इसको मजीद जब तक पकाना है जब तक दूध इसमें बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, मतलब बिल्कुल ड्राई ना हो जाए दूध इसमें, जब तक हमने इसको पकाना है। लेकिन फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। मैं आपको स्केप कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो लगे थे 30 to 40 मिनट्स, आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं। तो जी, साथ हमने डाली थी 1 कप चीनी की, बाकी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि गाजरें हमारी ऑलरेडी मीठी थी इसलिए मैंने 1 कप चीनी डाली थी। तो जी, साथ हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर और उसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि थोड़ा सा मजीद भून जाए। इतने में हम घी गर्म कर लेते हैं। तो जी, हमने 1/4 कप घी लिया है, साथ में 5 से 6 इलायची इसमें डाल देंगे और उसको मजीद गरम कर लेंगे। तो जी, बस इस स्टेज पे आकर हमने इसमें घी में डाल देना है और फिर इसको मजीद अब हम और भुनेंगे, क्योंकि इसकी जितनी घिसाई होती है इतना ही इसका टेस्ट निकल के आता है। मैं आपको वीडियो थोड़ी शॉर्ट कर करके दिखा रही हूँ, वरना वीडियो मजीद लंबी हो जाती। तो खैर, हमने इसकी काफ़ी घिसाई की थी, 30 to 40 मिनट्स लगे थे हमारे। तो जी, मैं इसमें खोया ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं खोया ऐड करूंगी। मैंने एक साथ खोया नहीं डाला था, पहले थोड़ा डाला फिर बाद में थोड़ा मजीद डाल दिया, तो इस तरह मैंने खोया ऐड किया था। तो थोड़ा सा खोया मैं बचा लूंगी बाद के गार्निशिंग के लिए। खैर, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा हलवा ये बन के रेडी होता है। सिर्फ सारा प्रोसेस होता है घिसाई पे। अगर आपका हलवा में घिसाई अच्छी होगी और दूसरा पानी इसका अच्छे से खुश्क हुआ हुआ होगा तो आपका हलवे का टेस्ट उभर के आएगा। वैसे हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा खोया डाल के उसको मज़ीद घिसाई इसकी कर रही हूँ ताकि टेस्ट मज़ीद उभर के आए। जब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाला हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जी, हलवा हो चुका है हमारा डन। चलें जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है, और पर्सनली मुझे ये कलर बहुत पसंद है। मुझे काला कलर सा कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये सुनहरा सुनहरा सा कलर होता है, उसको खाने में मज़ा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस जी, हमारा निकल चुका है सारा। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए हम इसमें डालेंगे जो हमने बचा लिया था खोया, वो इसके ऊपर खोया डालेंगे और इसके ऊपर थोड़े से अखरोट और किशमिश डालेंगे। बाकी नट्स आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी डाल सकते हैं। तो जी, ये हो चुका है हमारा हलवा बिल्कुल रेडी। तो चले जी, इसको हस्बैंड को टेस्ट करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि उनको ये हलवा कैसा लगा। वेलकम बैक। तो जी, हमारा हलवा हो चुका है रेडी, तो देख सकते हैं हलवे को भी। तो अब हम इसे टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम टेस्ट करने लगे हैं। जबरदस्त लेवल का हलवा बना हुआ है, मज़ेदार। तो इस रेसिपी को भी आप लाजमी ट्राई करें। ये कॉमन रेसिपी है, लेकिन जिस तरीके से मेरी वाइफ ने बनाई है आप उस तरीके से ट्राई करें। आई थिंक ये बड़ी जल्दी बन गई है ना, बनने में बड़ा टाइम लगता है। मेरी जो मम्मा है वो भी बनाती हैं, बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने बड़ी जल्दी बना लिया। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह हम हमेशा आपको एक नई रेसिपी के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ मिलेंगे। ठीक हो गया? तो जी, ये इनको ज़्यादा टेस्ट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है घिसने में।
तो जी ये थी हमारा आज का व्लॉग और ये थी हमारी आज की विंटर की रेसिपी। होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।